बिहाइंड तो फिर आग लगी बस्ती में बेबी आर यू फाइन। देखते थे नैना बिछड़ के आज रो दी। जा अपने मैनेजर को बुला कर ला। नैना यस मैम, कहिए क्या परेशानी है आपको? ये कैसा गरम चाय रख रखा है तुमने अपनी दुकान पे? ठीक से चाय भी नहीं बनाता है। अगर तुमने इसको अभी के अभी दुकान से नहीं निकाला ना, तो मैं कल से चाय पीने नहीं आऊंगी। ओके मैम, अभी निकालता हूँ। चलो तुम निकलो नौकरी से अभी यहाँ से। नहीं सर प्लीज, मुझे इस जॉब से मत निकालिए सर प्लीज, मुझे मत निकालिए। मुझे नहीं मतलब, तुम निकलो यहाँ से। मैं कहाँ जाऊँगी, इसके अलावा मेरे पास कोई काम भी नहीं है, मैं कहाँ जाऊँगी? आप चार जोड़ मुझे नहीं पता, हाथ हाथ मत जोड़ो, तुम तो जाओ यहाँ से। ओके मैम ठीक है। हे भगवान, कितना सुंदर और कितना बड़ा घर है। एक दिन ना इस घर को मैं जरूर खरीद कर ही रहूंगी। जब मेरे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे तब मैं इस घर को खरीदूंगी और फिर मैं इसमें रहूंगी। कितना मजा आएगा ना, कितना प्यारा घर है ये। अच्छा तो मैडम अब ये घर खरीदेंगी, तुझे पता भी है ये किसका घर है? नहीं मुझे नहीं पता ये घर किसका है, पर मैं एक दिन यही घर खरीद के रहूंगी। तो मैं आपको बता दूं, ये घर मेरा है और तुझे पता है इसकी कीमत कितनी है जानती है क्या? सपने में भी नहीं सोचा होगा इसकी कीमत कितनी है। चल मैं तुझे इसकी कीमत बताई देती हूँ। इसकी कीमत पूरी 5 करोड़ है। तू खरीद तो वैसे भी नहीं पाएगी, इसीलिए रेट तो बताई दूं, कहीं सपने में खरीद ले। तेरे पास है इतने पैसे, खरीद पाएगी तू 5 करोड़ का मेरा घर? बड़ी आई मैम का घर खरीदने वाली। हाँ कपिल तूने सही कहा। तुम जैसे लोग ना घरों का सपना मत देखा करो, क्योंकि तुम लोग ना सिर्फ घरों में काम करना ही जानते हो, झाड़ू पोछा बर्तन, और हम जैसे लोगों के कपड़े धुलना, ये सपने मत देख, क्योंकि तेरे ये सपने कभी पूरे नहीं होंगे। और चलाटा लगा रास्ते जाते जाते तुझे जीत जीत हारूं। तू है प्राण प्राण बारूं। ओ गॉड यार, ये मैम भी ना अभी तक नहीं आई यार, पिछले 2 घंटे से इंतजार कर रहे हैं, कब तक इंतजार करें इनका? सही बोल रहे हो, हमेशा ही लेट आती है, कभी भी टाइम पर नहीं आती। हेलो डायरेक्टर एंड कैमरामैन। व्हाट इज दिस मैडम जी, आप कभी भी टाइम पर नहीं आते हो, ये क्या है? मेरे पास आप लोगों की तरह फालतू टाइम नहीं रहता है, आपको जो काम है वो बताइए, मुझे बाकी के काम भी करना है, जल्दी बताइए, मुझे बहुत काम रहते हैं। सर वैसे भी हमारा बहुत टाइम खराब हो चुका है, आप जल्दी से इन्हें इनके रोल समझाइए। तो मैम आज आपका रोल है गरीबी का, तो आपको गरीबी के लिए ना ये कपड़े चेंज करके जो गरीब कपड़े पहनते हैं ना उस टाइप के कपड़े पहनने होंगे। What? Look at my personality. कौन की अंकल से लगती हूँ तुमको गरीब? करवाना है तो हीरोइन के रोल करवाओ, मैं ये गरीब गरीब के रोल करने वाली नहीं हूँ, ठीक है ना? पर मैम हमारी इस स्क्रिप्ट में ये रोल गरीबी का है, तो आपको ये रोल करना ही पड़ेगा कैसे भी। ठीक है मुझे नहीं करना ये गरीबी के रोल, ठीक है ना? सर ये तो चली गई और हमारा गरीबी का रोल अब कौन करेगा? सर ये 2 लड़के हैं तो सही हमारे पास, ये लड़के करेंगे गरीबी का रोल? हाँ सर मुझे नहीं करना गरीबी का रोल। और हाँ मुझे भी कोई गरीबी मरीबी का रोल नहीं करना। अरे सुनो तो, सर ये लड़के तो चले गए और हम गरीब कहाँ से लाएं अब? क्या होगा अब शूटिंग का? अब क्या करें हम? सर हमको हमारी ये स्क्रिप्ट पूरी करना ही होगा, हम गरीब कैरेक्टर कहाँ से लाएं अब? कूल डाउन
आप चिंता मत करिए, मैं देख कर लाता हूँ ना यहाँ आसपास कोई गरीब का लड़का लड़की कोई मिल जाए तो उसको ले आऊंगा मैं, आप चिंता मत करिए। हाँ जाओ, कोई भी सड़क पर से पकड़ कर लाओ, पर हाँ। लेकर आओ जल्दी। ठीक है मैं जाता हूँ। हाँ ऐसे हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकती। अरे मैम, कौन है कौन है कौन है? मैं हूँ, डरिए मत आप। जी क्या क्या हुआ, कहिए आप। अरे मैम, मैं एक फिल्म डायरेक्टर हूँ और मुझे मेरी फिल्म के लिए एक ऐसे इंसान की जरूरत है जो गरीबी का रोल कर सके। अरे मैम, मेरा मतलब ये है कि आप मेरी फिल्म में काम करने के लिए इच्छुक हो क्या? क्या क्या सच में फिल्म में रोल करने के लिए? हाँ हाँ जरूर। तो चलिए मैम मेरे साथ। भगवान के नाम पे भीख दे दो ना भैया, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आपके पांव पड़ती हूँ, मुझे भीख दे। तुझे शर्म नहीं आती क्या भीख मांगती है? हाँ गरीब है तो क्या है, तेरे हाथ पैर नहीं है क्या? कमा और खा, भगवान ने तुझे भी दो हाथ दिए, मुझे भी दो हाथ दिए, तुझसे कमाते नहीं बनता क्या? अब जा यहाँ से और आगे से देख मत जाना यहाँ पे मुझे, चल निकल। आ गई गरीब बेकारन। कट 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 कट, वाह वाह वाह, वेरी गुड एक्टिंग, वेरी गुड, ये वाह वाह वाह, तुमने तो बड़ी कमाल की एक्टिंग की। अच्छा इनको असिस्टेंट का जॉब दे दें क्या? हाँ बिल्कुल, है ना। हाँ तुम इच्छुक हो हमारे साथ काम करना? हाँ बहुत। क्या तुम जॉब करोगे हमारे यहाँ पे? ओके तो फिर कल से आ जाना आप। ओके ठीक है ना, कल से टाइम पे जाना, 10 बजे सुबह से 7 बजे तक अपने शूटिंग टाइम रहेगा, तो उसमें अपन को वर्क करना है उसमें। हाँ सीन नंबर 98, लाइट कैमरा एक्शन। माँ तू हंसती रहा कर क्योंकि तेरी मुस्कुर। यार ये कितनी देर लाइट कर रखी है तुमने, कम करो इसको, मेरी स्किन पे पड़ रही है। माँ तू हंस, माँ तू हंसती रहा कर। यार अब ये कौन से नारायण में यहाँ पे स्टूल रखा था, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा यहाँ पे मैं एक्टिंग कर रही हूँ। माँ ला पानी दे दर। ले पकड़। माँ तुझे बड़ी हंसी आ रही है, आ तू कर ले रोल, कर ले रोल, बहुत हंसी आ रही है। तुझे लगता है कि एक्टिंग करना बहुत सरल काम है, बहुत आसान है, करके दिखाओ हिम्मत तो तुझ में। नहीं नहीं मुझसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मेरी एक्टिंग पे तो बड़ी हंस रही है, करो एक्टिंग। माँ तू हंसती रहा कर क्योंकि तेरी मुस्कुराहटे है ताकत मेरी। माँ तेरे बिना मेरा कोई वजूद नहीं है, माँ मेरी प्यारी माँ, मेरी भोली माँ, माँ तू मेरी जन्नत है, माँ तू मेरा सब कुछ है, माँ तेरे होने से मैं हूँ और मेरे होने से तू है, माँ मेरी प्यारी माँ। वाह वाह वेरी गुड वेरी गुड, अमेजिंग गाइस, गुड गुड गुड, वेरी गुड। वाओ वाओ कमाल कर दिया तुमने तो यार, सचमुच कमाल कर दिया। अब मुझे ये बताओ क्या तुम हमारी नेक्स्ट फिल्म में रोल करना चाहोगी एज अ लीड एक्ट्रेस? यस हाँ करूंगी। ओके गाइस वी आर डन, यस डन, यस लेट्स गो। अरे मैम आप इतनी उदास क्यों हैं? क्या हुआ आपको? ये बात कई साल पुरानी है। हे भगवान कितना सुंदर और कितना बड़ा घर है, एक दिन ना इस घर को मैं जरूर खरीद कर ही रहूंगी। जब मेरे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे तब मैं इस घर को खरीदूंगी और फिर मैं इसमें रहूंगी, कितना मजा आएगा ना, कितना प्यारा घर है ये।
अच्छा तो मैडम अब ये घर खरीदेंगी, तुझे पता भी है ये किसका घर है? नहीं मुझे नहीं पता ये घर किसका है, पर मैं एक दिन यही घर खरीद के रहूंगी। तो मैं आपको बता दूं, ये घर मेरा है और तुझे पता है इसकी कीमत कितनी है जानती है क्या? सपने में भी नहीं सोचा होगा इसकी कीमत कितनी है। अच्छा मैम ऐसी बात है, आप चिंता मत कीजिए मैम, आपको वो घर दिलाने में मैं आपकी मदद करूंगा। थैंक यू। यस वेलकम। मैम मुझे आपका ये घर खरीदना है। अच्छा तो आपको मेरा घर खरीदना है 5 करोड़? नहीं 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 10 करोड़ का बेच रही हूँ मैं ये घर, खरीद पाओगे? है तुम्हारे पास इतने पैसे? क्या 10 करोड़? 10 करोड़ नहीं, मैं आपको पूरे 50 करोड़ दूंगा। आखिरकार तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? इस घर के 50 करोड़ रुपए क्यों दे रहे हो? अरे ऐसा क्या है इस घर में जो आप इतने सारे रुपए देने के लिए तैयार हो? ये लो तुम्हारे पैसे पूरे 50 करोड़। और हाँ दरअसल ये घर मैं नहीं मैम खरीद रही है। जाना मुझे